नाट्य दर्पण की एक और प्रेजेंटेशन है कलाइडोस्कोप। हमेशा की तरह आफ्टर एक प्ले जब खत्म होता है हमारा, तो काफ़ी इंक्वायरीज आती हैं हमारे पास, बिकॉज पीपल आर कीन, दे हैव सीन अ प्रेजेंटेशन एंड दे आर कीन टू जॉइन द ग्रुप। सो वी नॉर्मली हैव अ वर्कशॉप, और वर्कशॉप में काफ़ी न्यू पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो अगर आपको पता होगा, नाट्य दर्पण सिर्फ एक थिएटर कंपनी ही नहीं, बट वी कुड कॉल इट एन अकेडमी ऑल्सो, बिकॉज वी ट्रेन पीपल हु हैव अ पैशन फॉर एक्टिंग, एंड वी डू हैव एक्सपीरियंसिस वेयर पीपल हैव नेवर एक्टेड बिफोर ऑन थिएटर, एंड दे आर डूइंग अ गुड जॉब सो फार। सो इफ एनीबडी इज स्टिल इंटरेस्टेड, प्लीज रजिस्टर योर सेल्स आफ्टर यू सी वॉट द न्यू पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंटिंग। और आज एक ऐसा दिन है जहाँ जो पात्र हैं, इट्स मोर लाइक अ ग्रेजुएशन सेरेमनी, बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर होम इट्स अ फर्स्ट टाइम। तो कई लोगों ने कभी स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं किया होगा, और कई ऐसे भी हैं पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने, अगर आपने पहले नाट्य दर्पण का कोई पेशकश देखी है, तो देर वुड बी अ फ्यू पार्टिसिपेंट्स हु हैव डन अ गुड जॉब अर्लियर, बट दे आर अगेन हियर ऑन स्टेज। So we never run out of practice. Nobody is perfect. So we keep practicing. We keep attending workshops. We keep learning new things every time. So this is a good time to give our presentation. इन participants ने पिछले छः हफ्ते से खूब मेहनत की है, जिसे आज पेश करेंगे। हर एक participants का एक नया विषय है, अंदाज नया है, भाव नए हैं। And हो सके तो encourage them, try not to, it's a very small skit, maybe 3 to 4 minutes each skit, so try to encourage them by clapping after they finish their skit, it would be nice. Before we do that, just to pump up and build the atmosphere, we will एक नया experiment या बोले या नया experiment बोलते हैं, we will request one of somebody from the audience to give a word, any word that you want. One person, please raise your hand and you could just get up. And the artist here would give an impromptu performance. You know, they build up a skit there and then. So, anybody who would like to give a word? Success. Success. Okay, kamyabi. Okay. Is the team ready? The word is kamyabi. जानते हो मिनी, सक्सेस क्या होता है? Just calm down, just calm down. पता है लोगों ने सक्सेस के लिए क्या क्या किया है, और तुम्हें जरा सा इतना कॉम्प्रोमाइज करने में इतनी क्या दिक्कत हो रही है? काम काम क्रोध मोह सबसे दूर रहिए। सक्सेस, कितना सक्सेसफुल हो गया हूं मैं, देखिए सब लोग आज मुझे देखने आए हैं। सक्सेस, कितना सक्सेसफुल हूं मैं, मुझे नहीं इस शब्द से बहुत नफरत है। सक्सेस सक्सेस, क्यों हूं मैं सक्सेस? नहीं होना चाहता। आई एम ए ब्लडी फेलियर। बराबर बात कर रहे हो तुम, मुझे भी बहुत नफरत है इस वर्ड से, सक्सेस। और आप लोगों को ये जो सक्सेस सफलता हर वक्त यही चाहिए ना, भाड़ में जाइए सफलता, मुझे नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा चुप होने के का लोगे, और अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया तो उसमें क्या परेशानी है आपको? इसीलिए सज्जनों मैं कह रही हूं कि सक्सेस इसी में है कि काम क्रोध मोह से दूर रहो। इसको तो छोड़ ही दो। थैंक यू, थैंक यू। यू जस्ट डू अनदर वन, दैट वाज अ गुड वन, थैंक यू। एनीबडी एल्स कुछ और दिलचस्प कोई टॉपिक निकाल के दे सकता है? एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ? हाँ जी, अरेंज्ड मैरिज। दैट्स अ हॉट टॉपिक। मैरिज ही काफी है भाई। वैसे तो मुझे बहुत शर्म आ रही है आप लोगों को बताने में, लेकिन मेरे मम्मी डैडी ने ना
मेरी शादी तय कर दी है। अबे तेरी वैसे भी नहीं होनी थी, कैसे मम्मी डैडी ने कर दी इसलिए हो गई तेरी। बता क्या था इस बार। लेकिन पता है मैं बिलीव ही नहीं करती अरेंज मैरिज पे। मैरिज तो लव मैरिज होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन लड़की बड़ी प्यारी है। अरेंज हो या लव, मैरिज अपने आप में ही बड़ा मुश्किल काम है भैया। मेरे घर वालों ने भी मेरे लिए एक लड़का ढूंढा है। तो हम दोनों अरेंज मैरिज करेंगे। आप दोनों करोगे? नहीं नहीं नहीं। देखा, नई दुनिया के नए अरेंज मैरिजेस। या लड़का क्या, लड़की भी ढूंढ सकते थे तेरे लिए तो। लड़का चाहिए। हमारे डायरेक्टर साहब का कहना है कि अगर सब इकट्ठे होके एक लंबा ओम लगाएं, हम हमेशा हर वर्कशॉप से पहले एक लंबा ओम लगाते हैं ताकि एक एनर्जी बनी रहे। सो इफ एवरीबॉडी यू कैन सिट एंड परफॉर्म लंबी सांस। जस्ट अ डीप ब्रेथ एंड जस्ट अ बिग ओम। तालियां बजानी पड़ेगी, तो एक बार जोर से लेट्स ब्लो द रूफ ऑफ। 1 2 3 वाह वाह वाह। आप सब सभी को अगले वर्कशॉप में वाइस का लेंगे। एवरीबॉडी प्लीज जॉइन अस, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। Before we start, I just need to acknowledge a few people who have been very instrumental in arranging for. Sorry, आप पीछे पीछे से कुछ बोल रहे हैं तो I think you're prompting this. There are a few very instrumental people who have been helping us in the backstage. Theatre एक ऐसी चीज़ है, in fact everything is every performance or every presentation is something that the backstage people are not acknowledging. It's what you see in the front that you clap on. But after I finish naming everybody who's been helping us gather this program, please give a round of applause, even if it's for your own self. Chetan Ghaisas and Poonam Ghaisas, Ravi and Namrata, Mukund and Ashwini Deshpande, Ravish Pimpalkar, Girish Ranade for the photography, Rishi Shah for the video, Kasturi Vaithya, Mansi Shah, backstage help. I would specially like to thank Saurabh Mishra and Sejal Shah, who are, Saurabh Mishra is the founder of Hindustani Classical Music, and he has been a great help. Time and again he has helped us, giving us wise advices and टिप्पणियाँ जिसे बोलते हैं, तो he's always been there for us, although we never see him rarely on stage. We saw him with Natyadarpan around 4 years back. Yeah, but he's a busy man, so जितना भी आप contribute कर सकें वही बहुत बढ़िया है. Thank you. So we'll start with the first participant. उनका नाम है प्राजक्ता. प्राजक्ता पेश कर रही है कलयुग की सीता. एक छोटा सा स्किट है. I won't say much about any of the skits because then you know what you are expecting. So, but naam se aapko pata chal gaya hoga kya hai. So let's hear it for Prajakta Kale. Hey Sita, yudh mein shatru ko parajit karke humne tumhe uski changul se bacha liya. लेकिन ये हमने तुम्हें पाने के लिए नहीं किया, बल्कि सदाचार की रक्षा और अपने वंश पे लगे कलंक को मिटाने के लिए किया.
है वैदेही, तुम लंका में पर पुरुष के यहां रहकर आई हो, इसलिए तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न का ये अवसर उपस्थित हुआ है। इसलिए जानकी, मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। तुम जहां जाना चाहो, जिसके साथ जाना चाहो, जा सकते। आप क्यों ऐसी कड़वी बातें करते हो? रावण मुझे उठाने गया, उसमें मेरा क्या दोष था? मन तो क्या, मैंने अपने तन पर भी उसकी छाया नहीं पड़ने दी। और आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? मैं विवश हूं जानकी। तुम जैसी दिव्य रूपी नारी को अपने महल में रखकर दुष्ट रावण बहुत देर तक तुमसे दूर रहने का कष्ट नहीं सह सका होगा। इसलिए जानकी, मुझे तुम्हारा त्याग करना होगा। हे रघुकुल नंदन, लंका में आपका नाम लेते हुए मैंने एक एक क्षण एक एक युग की तरह काटा है, और इन सब का फल ये है कि आप मेरे चरित्र पर प्रश्न उठा रहे। आपको अपने वंश, अपने सदाचार, अपने पराक्रम, इन सब की चिंता है। अपनी जीवन संगिनी की कोई परवाह नहीं। वनवास आपको हुआ था, मुझे नहीं। चाहती तो मैं भी देवरानी उर्मिला की तरह महल में बैठी रहती, लेकिन मैंने आपको अपना परमेश्वर माना और आपके साथ वन में चली आई। मैंने पत्नी धर्म निभाया और आप मुझे ही दंड दे रहे हैं। एक बात बताइए, आपको मुझसे प्रेम है या नहीं? और फिर है तो फिर विश्वास क्यों नहीं? बोलिए, उत्तर दीजिए। लेकिन जानकी, समाज मैंने ब्याह आपसे किया है, समाज से नहीं। आप बोलिए, आप मेरे साथ है या नहीं? आप मेरे साथ हैं या नहीं? हे रघुकुल नंदिनी, हे जनक दुलारी, हे जानकी मेरी मां, शांत। भैया आपसे क्रोधित है। वो क्यों क्रोधित है? बात मेरे आत्मसम्मान की है, प्रश्न मेरे चरित्र पर उठा है। क्रोधित तो मुझे होना चाहिए। और सच बात तो यह है लक्ष्मण, कि मेरी सारी मुसीबतों की जड़ तो तुम हो सुमित्रा नंदन। शूर्पणखा की नाक काटी तुमने और रावण उठा ले गया मुझे। उठाना चाहिए था तुम्हें। देवी रघुनंदिनी, चनक दुलारी, हे जानकी, हे मैं, अरे क्या है? आप दोनों भाई भालू और वानरों की सेना लेके लड़े थे ना रावण से? मैं अकेली ही लड़ी थी उससे उस अशोक वाटिका में। तोड़ दिया था उसका मनोबल, छिन्न भिन्न कर दिया था उसके आत्मविश्वास को, हरा दिया था मैंने उसे उसी अशोक वाटिका में। मरे हुए को मार गिराया आपके पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने। अगर मैं रावण की बात मान देती ना देवर जी, तो बिना लड़े ही हार जाते आप दोनों। फिर
क्या होता आपके वंश, अपने सदाचार, आपके पराक्रम का? मेरे साहस, मेरे धैर्य, मेरे प्रेम, मेरे विश्वास का यही फल मिल रहा है आज सबके सामने मेरा त्याग, मेरा परित्याग और मेरा अपमान। हे देवी मिथिलेश कुमारी, हे रघुनंदिनी, हे जनक दुलारी, अरे विषय से भटक रही है आप। हाँ, वो देखिए, जल गई चिता, अब आप उस अग्नि में प्रवेश कीजिए। आप पवित्र है, आप बिल्कुल पवित्र है, उसमें कोई संदेह नहीं है, आप बिल्कुल पवित्र है। बस आपको उस अग्नि में प्रवेश करना है और उतर जाना है, फिर भैया भी प्रसन्न, आप भी प्रसन्न और ये सारी प्रजा भी प्रसन्न। बोलो श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। चलिए भाभी, प्रवेश कीजिए उस अग्नि में और साबित करके दिखाइए। मुझे कुछ साबित नहीं करना है, मुझे कुछ भी साबित नहीं करना है। जिसे मेरी बात पर भरोसा नहीं, जिसे मुझ पर विश्वास नहीं, मुझे उसके लिए कुछ साबित नहीं करना। और रही बात अग्नि परीक्षा की, तो हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे थे, तो फिर तो हम दोनों अग्नि परीक्षा देंगे। चलिए राम, आइए अग्नि परीक्षा दे। Prajakta's first performance ever. So, she's been part of the workshop that we have for 6 weeks. Normally it's held on a Saturday. If there are people who are interested, we did think of having it on a Tuesday, but being a working day, mostly people can't make it on a Tuesday. So normally hum Saturday ko karte hain. It happens in the morning around 9:30 to 10:30. Aise do batches hote hain. So Prajakta has been part of this workshop. Thank you. Without wasting much time, we will go to the next one. This is Ankush and Anamika, who are presenting a skit, Hum Jaise Hi. This is written by Namrata Sharma. And let's go ahead and see what they have to present. Anamika and Ankush. मुझे लगा कि एक फेज है, खत्म हो जाएगा, मैं इस चीज को अपनी डिटर्मिनेशन से ओवरकम कर लूंगा,
I think I can understand. फिर बताइए राकेश, फिर बताइए, फिर क्या हुआ? फिर क्या? माँ बाप का इकलौता बेटा, घर वालों को लगा कि दो बहनों का छोटा भाई गुड़ियों से खेलना, लड़कियों की तरह तैयार होना शायद एक स्वाभाविक सी बात है। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरी आदतें एक समान युवक की तरह नहीं थी। घर वाले बहुत परेशान रहते थे, यहां तक कि पिताजी को दिल का दौरा भी पड़ा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मुझे मम्मी जी ने बताई थी ये वाली बात। है घर वालों ने मुझे 12वीं कक्षा खत्म होते ही लंदन भेज दिया, ये सोचकर कि मोहल्ले वालों से दूर रहूंगा तो शायद चेंज हो जाऊं। वेस्टर्न सोसाइटी, यहाँ पे तो सब कुछ बहुत नॉर्मल होगा ना, तो यहाँ पे तो आपके लिए अपने मन की बात बताना आसान होगा, यहाँ क्यों नहीं बोले आप? इतना आसान नहीं था बीनू, समाज, ये समाज, चाहे भारत हो या लंदन, समाज तो समाज है ना। समाज का प्रेशर, माँ बाप बहनों का प्रेशर, वंश को आगे बढ़ाना है, हिंदुस्तान बुला लिया मुझे शादी के लिए। वंश, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। खैर राकेश, हमने साथ फेरे लिए हैं, साथ जीने की कसमें खाई हैं, हम हर परेशानी को साथ निभाएंगे। आइए इधर बैठिए, आप आइए, आइए ना बैठिए। आपको इस छत के नीचे रहना पसंद है? आपको आपको मेरे साथ रहना पसंद है? आपको मेरे हाथ का खाना खाना पसंद है? हाँ बीनू, पसंद है। तो मतलब ये कि हम दोनों तो साथ रह सकते हैं ना? हाँ। आइडिया आ रहा है मुझे, आप मेरी बात मानेंगे? मानेंगे नहीं और बात भी नहीं, आप मेरी एक डिमांड मानेंगे? कौन सी डिमांड वीनू? वादा कीजिए, मानेंगे। करिए करिए, डरिए नहीं। वादा किया वीनू। इस दुनिया में कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एक अच्छी छत, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे माँ बाप की जरूरत है। क्यों ना हम एक बच्चा गोद लें? बच्चा गोद लेने से मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे, समाज भी खुश हो जाएगा और हम दोनों तो खुश हैं ही। बोलो कैसी रही? बोलो बोलो। आप तो ठीक है भी। बस बात ठीक है, इतना बढ़िया आइडिया दिया। अरे बात तो ठीक है वीनू। We'll move on to the third presentation.
This presentation is given by Suman Chaudhary. ये एक बहुत यूनिक वे से प्रेजेंट कर रही है अपना आइडिया. Suman is a Bharatnatyam trained dancer, so she is presenting her thought, her bhav in a form of dance, that's Bharatnatyam. So Suman Chaudhary, please come, and the skit's name is Vitamin D. So I hope it reflects. Chup! Suman? Chup! Bilkul khamosh! Bas! Maaf karna dosto, thoda sa behak gaya tha. लेकिन अगर मेरा पास चलता ना तो इन टेढ़ी मेढ़ी बदबूदार गलियों वाले इस सड़े से मोहल्ले के इस घटिया से मकान में एक पल भी ना रहता. क्या कहा आपने? इस शहर में कला की कद्र होती है. कलाकार की किस्मत खुलती है. अरे क्या खाक खुलती है. कभी आपने इन आसपास वाले कमरों में रहने वाले इन बूढ़े मरियल लोगों को देखा है? आंखें पथरा गई हैं, भाव जूझने लगे हैं, फिर भी खुद को कलाकार कहते हैं. कला की आहें भरते हैं. कैनवस पर ऐसे ब्रश चलाते हैं जैसे कोई पान वाला पान पर कत्था लगा रहा हो. क्या खाक कलाकार नहीं है? एक लोटा दो तश्तरी और हां ठक ठक ठक. क्या हा? क्या स्टोव और लो बसाली गृहस्थी. ना नहाने के लिए बाथरूम ना लेटरिन. क्या क्या यही सपनों का शहर है? मैंने सुना था इंजीनियरिंग के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, डॉक्टरी के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है. वो क्या होता है? वो एमसीए के लिए भी पढ़ना पड़ता है. लेकिन मैं तो बिना कुछ किए ही ये बन गया. क्या चोर बन गया? मैं इस शहर में चोर बनने नहीं आया था. मेरा तो सपना था एक बड़ा सा फ्लैट हो, एक लंबी सी गाड़ी हो, मैं विदेश यात्रा पर जाऊं. क्या कहते हैं उसे? स्विट्जरलैंड. सर्दी बात छुट्टियां मनाऊं. मेरे माँ बाप सोचते हैं कि उनका बेटा शहर में कोई बहुत बड़ा आदमी है. लेकिन मैं तो चोर बन गया. कसम से
मैं यहाँ शहर में चोर बनने नहीं आया था। अब नहीं रहना मुझसे इस शहर में एक मिनट भी। जा रहा हूँ मैं। Definitely, no form of dance that I could think of. So that was Piyush, Piyush Arora. He was presenting a solo, Ye Sheher Ghutan. So thank you, Piyush. And now we have Suman. Now we have Suman Chaudhary, who is presenting her thoughts and her feelings and her ideas in form of Bharatnatyam. Please, Suman Chaudhary, are you? एलर्जी शुरू हो गई, खुजली होने लग गई, डिप्रेशन होने लग गया, मेंटल हेल्थ, लोगों की दिमागी हालत खराब होने लग गई, छोटे छोटे बच्चे ओवरवेट होने लग गए। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सब का कारण हमारे घर के अंदर की हवा है। बाहर की हवा घर के अंदर की हवा से 5 गुना ज्यादा अच्छी है। तो क्या इस जेनरेशन का यही अंत है? क्या हम डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और मेंटल हेल्थ ऐसी बीमारियों के साथ जिएंगे? क्या यही इस कहानी का अंत है? ये सब तो आप और आप पे निर्भर करता है। आप अगर चाहें तो इसे बदल सकते हैं।
क्यों ना मिलके एक नई शुरुआत करते हैं। खोल दीजिए वो खिड़कियां, सूरज की सुनहरी किरणों को घर के अंदर आने दीजिए, सुबह की सुनहरी हवा को अपने चेहरे पे महसूस कीजिए। ट्रेडमिल छोड़िए उसे, चलिए सैर को चलते हैं। और बच्चे क्यों ना बाहर जाके बॉल से खेले, क्या ख्याल है योगा का? ओह ये सुबह उठ के योगा कीजिए, तीन चार डीप ब्रेथ लीजिए, फिर देखिए ब्लड प्रेशर डिप्रेशन सब दूर भाग जाएगा। तो क्या ख्याल है शुरुआत करें इस नई दिशा की ओर? चलिए अब ये सुमन के बाद, which is very unique and very to the point, and वैसे भी कोई नया रूप ले आप explain करने का, we are quite fed up of the same lecture, so whenever we have a new creative way of explaining, I think वो कील ज़्यादा ठुकता है दीवार पे और असर ज़्यादा होता है, so I think that was a good one. Next one we are presenting Vipin and Meenal Khairna, इनका skit का नाम है कश्मकश अ वर्चुअल रियलिटी। Cool down. You're at the home, not in a war zone. Don't show me that attitude, like brother and like mom and dad. What? I just asked him to go with me to the ball. Cricket ball. You are such an idiot. Now what? Not that ball. That guy, Sam. I asked him to go with me to the ball. Ah, I see. And he said no to me. He rejected me. And you know what? He is going with my friend Janine. See? So you are worried that he rejected you? Buddy, who is he to reject my sister? You know, my sister, she is one in a million. I tell you, there will be a line of hundreds of guys lining up for you. It's so good, isn't it?
you know what? What? I asked him to go with me for a ball. He rejected me. And look at these photos. They posted the photos together. And see how many likes they have. Wow! 103 likes! So you are upset because they got so many likes, right? Can I ask you a question? You are upset because they got so many likes. You wanted to go with Sam to the ball and have the photo posted on the wall, right? And you wanted to have hundreds of likes. Hey, I got an idea. Spit it out. What about you and me? Brother and sister going to the ball together and we'll post the photo on the wall. Hey, that's such a cool idea, right? Do you see? It's written on my face to pick. Seats on the wall. Hey, this outside. Hey, look. For the birds. So what? Hey, come on. Come on. Hmm? Hey, look. Look, that bird is coming. Mujhe nahi dekhna. Hey, slowly. Hey, don't watch. Okay, come, please. Hey, look. Shh. See, that bird is coming slowly. See, that other one is also coming. Right? That's so cute. And now they will make a semicircle. See, they're coming together. Yeah. I bet you they will now pick together. Come here. Tell me something honestly. Maja aaya? Oh yes. They are so cute. I tell you, they will come tomorrow morning again. So what's more enjoyable? Watching these birds or the lights on the film on the wall? Hey bro. You are not dumb as you look. कश्मकश बड़ी है क्या कश्मकश बड़ी है पांव मोड़े या चादर बड़ी ले आए गिरते को हम संभालें या आगे को निकल जाएं हम रेस के हैं घोड़े या मशीन है मेरे भाई इस जिंदगी के मायने कोई हमें बताए खुद से किया है वादा हमने आज इसी पल है जिंदगी पहेली तो
है उसका हाल। ज्ञान बांटते हैं लोग ज्यादा आजकल, अपनी भी सुने कोई हम खोजते हैं पल। बिन कहे सुने जो दिल की बात वो है यार, क्या बोला? बिन कहे जो सुन ले दिल की बात वो है यार, वरना दोस्तों की सारी लिस्ट है बेकार। स्क्रिप्ट वॉज रिटन बाय मंदार गोखले और जो आखिर में कविता सुनी वो विपिन कैंडर ने पेश की थी, उसने लिखी थी। नॉट मंदार गोखले, सॉरी मंदार वाइद्य, टू मेनी मंदार, जरा मंदार वाइद्य। और उससे पहले जो सुमन ने स्किट की थी वो लिखी सुमन ने भी, सुमन की लिखी हुई थी। और उससे पहले जो अरोड़ा पीयूष अरोड़ा, ही हैड रिटन इट हिमसेल्फ। सो आप देखेंगे ये वर्कशॉप में सिर्फ कलाकार ही नहीं बट राइटर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, कवि, एवरीबडी कैन टैप देयर पोटेंशियल। सो इट्स अ गुड स्टेज फॉर इट। अगली पेशकश है हेम और प्राजक्ता। दिस इज कॉल्ड कलाकार की घुटन। हेम तिवारी, एक लड़का था बिल्कुल हम लोगों जैसा, बस उसकी एक टांग नहीं थी और नहीं रहता था वो हम लोगों जैसे दो टांगों वाले विकलांगों के बीच, लेकिन वो खुश था, बहुत खुश था। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, छोटी सी, वो गरीब था। क्या गरीब होना इतना गलत है? क्या गरीब लोग इंसान नहीं होते क्या? उनको मारो तो दर्द नहीं होता क्या? उनको चोट नहीं लगती क्या? एक लड़का था बिल्कुल हम लोगों जैसे, बस उसकी है टांग नहीं थी, लेकिन वो खुश था। वो खुश था क्योंकि वो नहीं रहता था हम लोगों जैसे दो टांगों वाले विकलांगों के बीच। उसके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, छोटी सी। अरे बस यार, कट। दैट्स इट बोल बोली अभी। आओ ना ना बोलो यार, दैट्स फाइन, दैट्स ओके। इट्स ओके, कुछ दूसरा करो कुछ, चलो। उस दिन कबीर का शो देखने बहुत लोग आए थे और उनमें से एक माशा, कर्नल साहब की बेटी। माशा को कबीर का किरदार बहुत पसंद आया, वो तो जैसे पागल सी हो गई थी। उसे कबीर से मोहब्बत हो गई और अपने पापा के लाख मना करने के बावजूद कि अरे भाई वो एक्टर है ठीक है लेकिन काम क्या करता है, माशा ने भाग के उससे शादी कर ली और फिर उनकी जिंदगी। ऐसा है माशा, बहुत
बहुत हो गया। अपने पापा को फोन करो और बोलो कि हमें पैसे चाहिए। कभी मैं पापा से पैसे नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती पैसे? कभी हम दोनों ने भाग के शादी की। मैं पापा से पैसे कैसे मांगू? अच्छा, तुमने ही तो बोला था कि तुम उनको कन्विंस कर लोगी कि वो हमें पैसे दे देंगे। माशा, मैं दोबारा तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता। ऐसा है, फोन करो और पैसे मांगो। कैसे चलेगी ये बात? वैसे हमारे पास पैसे नहीं है माशा। मैं पापा से पैसे नहीं मांग सकती। मैं दोबारा हाथ नहीं उठाना चाहता तुझ पे माशा। बाहर इतने बड़े एक्टर हो और मुझसे इतनी बदतमीजी से बातें करते हो। अरे एक्टर हूं तो क्या है, पैसे नहीं है मेरे पास, एक्टिंग कर देता हूं। ले माशा जी, अपने पापा जी को फोन कीजिए और बोलिए कि हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। एक्टर मैं वैसे हूं, ऑफ स्टेज मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी एक पेट है, मुझे भी भूख लगती है। नहीं मांगूंगी। पापा को फोन कर और बोल कि ये जो लाइमलाइट्स है ना चकाचौंध, ये बकवास है। रियल लाइफ में बहुत अंधेरा है। फोन कर, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा तुझे। डू इट। Everybody's enjoying themselves. कोई बोर तो नहीं हो रहा? अगर हो भी रहा हो तो 10 मिनट और रुक जाइए। Okay. Now the next performance is by Seema Gupta. इनका है, इन्होंने एक मूवी का सीन लिया है. I guess once you see it, you will know what it is. मैंने नाम दिया उसका, मैं कहाँ सुरक्षित हूँ. सीमा गुप्ता, please come. मुझे पहाड़ पसंद है।
देखो देखो हमें पहाड़ों पे घर मिल गया, मिल गया। मम्मा I'm so sorry, मैं आपको बोलती थी ना कि मुझे पहाड़ों पे रहना, मुझे शहरों पे नहीं रहना। देखो देखो मैं ना इसी वजह से पहाड़ों में भाग गई और वहां पे मैं आजादी आजादी। आप फिर आप मुझे वहां से वापस लेके आ गई। मुझे यहाँ नहीं रहना, पापा डांटते रहते हैं ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया, और आप भी कहती हो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। ओह मेरा तो सिर ही चकरा जाता है। ओह माय गॉड, मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से वो शुक्ला अंकल भी आ जाते हैं। शुक्ला अंकल आज मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आए। हमेशा बोलते हो मेरी प्यारी बेटी मेरी न्यारी बेटी, मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊं, क्यों शर्मा गए? आज नहीं कहोगे कि बेटी मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आया हूं? चॉकलेट देने के बहाने मुझे बाथरूम में ले जाते थे और फिर घर के अंदर थी जब मेरा एक्सपोज हुआ, जब मेरा एक्सपोज हुआ घर के अंदर थी।
सीरियस हो गए सब. या ओके, द लास्ट प्रेजेंटेशन टुडे इज बाय अनामिका, अनामिका शर्मा. अनामिका ने ये स्क्रिप्ट खुद लिखी है, सो लेट्स वेलकम हर. और उसका नाम है उसकी स्किट का ऑल्सो रैन. अनामिका शर्मा. असली बात. छोटी सोच को बीप
उस सोसाइटी के उन लोगों को who make you feel small, beep, beep the bloody life for beeping you. And then, probably then you will know that life and you are basically asking same things to make you happy. Do you want to know what makes me happy? Tell me. Do you want to know? Yes. In the morning, a hot cup of ginger tea makes me happy. And in the evening, cheers, a cool glass of wine. In a fight, winning makes me happy. In love, losing. In exercise, sweating makes me happy. The rest of the day, not a sweat. In a conversation, an intelligent partner makes me happy. But to serve me, an obedient dud. As a mother, getting the very best for my baby makes me happy. As a woman, giving my best. In short, mutti bhar aasman, a fistful of sky makes me happy. Thank you so much. I would like to call all participants on the stage, please. Kya aap sab aa sakte hain? Suman Chaudhary, Seema Gupta, Piyush Arora, Ankush Indal, Hem Tiwari, Vipin Gendhar, and Minal Khairna. And Prajakta Kale. Thank you for everything. Wonderful job. Just in case you've forgotten who's who, I would like you all to introduce you all to Prajakta Kale. Hello. Piyush Arora. Ye Prajakta aur Piyush ka pehla Natyadarpan experience hai. And also, I'll tell you the freshers first. Seema Gupta. And last but not the least, Hem Tiwari, Vipin Gendhar, Meenal Khairnar, Ankush. And the happiest lady today, Anamika Sharma. One round of applause to the lovely audience. Thank you so much for your time today. Thank you. We forgot one name. The person who has hosted this evening so well, Namrata Sharma. Please don't forget to pick up some leaflets if anybody is interested or you think your friends are interested in participating in the next workshop. You're most welcome to come and just have a look at what we do. Agar aapko lagta hai ki you're not very sure whether you really want to come for one day and have a look what we do. So that would be lovely to have you all. Aur aap bhi aaiye, anybody. Anyone can come, from kids to all the seniors, elders, sab jawan, all are invited. Thank you so much once again. Gather and mingle and have some refreshments, please. Thank you. Well done, everybody. Happy birthday, dear mom. Happy birthday to you.
birthday bumps, birthday bumps. What other birthday present? Best birthday present I've got. Such powerful performances, yes, by everybody. Yes, so I'm very happy. Thank you very much, guys. Thank you. Please come and join us.